हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल वाइब्स। तो आज की वीडियो आप सभी सैमसंग M31 यूज़र के लिए बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़ होने वाली, क्योंकि यहाँ पे इस स्मार्टफोन में आप सबकी बहुत सारी यहाँ पे प्रॉब्लम्स थी कि ये फ़ोन जो है वो हीट करती है, इसकी जो गेमिंग के टाइम पे फ़ोन जो लैग करती, और भी बहुत सारे बग्स आपको देखने को मिल रहे थे कि यहाँ पे बैटरी जो है वो ज़्यादा यहाँ पे बैकअप नहीं दे रही है। तो इस टाइप से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे आपको प्रॉब्लम इंटरफेस करना पड़ रहा था, बहुत सारी शिकायत आ रही थी कि इस फ़ोन में जो है वो जो है टॉप के इस साइड में जो फ़ोन जो है वो हीट होता है। तो यहाँ पे जो है इसमें एक नई अपडेट जो है वो आ गई है। तो यहाँ पे मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि वो क्या है नई अपडेट और आपको इस अपडेट को कैसे करना है। इस अपडेट को करोगे तो क्या आपके फ़ोन के जितने भी डाटा है वो लॉस हो जाएगी या फिर और भी कुछ, तो सब कुछ मैं आज की वीडियो में आपको साबित में शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं बता दूँ, यहाँ पे टॉप पे आपको देख पा रहे हो तो यहाँ पे आपको बहुत से ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको बाद में पता चले कि अगर इसमें कोई नई फीचर यहाँ पे ऐड की जाए जो एक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, तो जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे भी इतने सारे फीचर जो है इसमें ऐड कर दी गई, पहले से प्रीलोडेड है, और भी यहाँ पे इसमें जो भी एक्स्ट्रा फीचर है वो यहाँ पे आपको अगर ऐड होगी तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे थे ये तो फीचर, उसके बाद दूसरा फीचर मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे डायल पैड जो है वो आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिल रहा है, मतलब इस टाइप का नॉर्मल डायल पैड है। तो क्या यहाँ पे अपडेट के बाद डायल पैड जो है चेंज होने वाली है, तो सब कुछ मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे डायल पैड जो है वो कुछ इस टाइप से देखने को, नोटिफिकेशन पैनल जो है वो आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे भी आपको जो पावर ऑन ऑफ का भी यहाँ पे बटन वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो जो कि यहाँ पे अच्छी बात है। यहाँ से ही डायरेक्ट आप सेटिंग में चले जाओगे, ये तो आपके किसी भी स्मार्टफोन में आप चले जाते हो। तो यहाँ पे आपको यही सारे फीचर जो है इसमें बहुत सारी आपको देखने को मिल रही थी। और यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे वॉलपेपर, थीम्स, विडेज एंड होम स्क्रीन सेटिंग में यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। तो ये सारी ऑप्शन तो इसमें पहले से ही अवेलेबल थी। तो अब मैं बात करने वाला कि इसमें जो नई अपडेट आई है वो अपडेट कैसी होने वाली है। तो यहाँ पे मैं आपको नई अपडेट दिखाने के लिए यहाँ पे देख पा रहे हो टॉप पे यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वो आ गई है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट पे आप जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस टाइप का अपडेट रेडी टू इंस्टॉल का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसमें आपको बहुत सारी यहाँ पे कुछ नई यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगी, जैसे कि बहुत सारे यहाँ पे जब स्टेबिलिटी इंप्रूवमेंट यहाँ पे बोला जा रहा है, बग्स फिक्स यहाँ पे बोला जा रहा है, न्यू एंड और भी आपको एक्सटेंशनल फीचर इसमें ऐड किया जाएगा, जो कि यहाँ पे अपडेट के बारे में आपको जो अपडेट करोगे तो यहाँ पे आपको पता चलने वाला है। तो इस अपडेट की साइज़ की बात की जाए तो यहाँ पे इसकी साइज़ जो है वो लास्ट साइज़ जो है इसकी 549.70 MB के यहाँ पे साइज़ है, और इसकी सिक्योरिटी पैच लेबल जो आपको 1 अप्रैल 2020 को यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये अपडेट जो है वो कल ही आई है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे आप इसे कैसे अपडेट करोगे। तो यहाँ पे आपको सारा कुछ मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे अपडेट करने के लिए आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप अपडेट आप बेहिचक कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी डाटा आपका लॉस नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या करना है आपको, सिंपल सा इंस्टॉल नाउ पे आपको टैप कर लेना है। इंस्टॉल नाउ पे आप जैसे टैप कर लोगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्लीज़ वेट का ऑप्शन आ रहा है, सिक्योरिटी सिस्टम अपडेट्स यहाँ पे शुरू हो गई है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 20% कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको इस टैप से आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप जो है 92% यहाँ पर हो गई है, फ़ोन जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो रीस्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पे फ़ोन जो है भी रीस्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे फ़ोन जो है वो 98% डाउनलोड हो गए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फ़ोन जो है वो 100% डाउनलोड होने के बाद फ़ोन ऑटोमेटिक जो है वो क्लोज हो गई है। तो यहाँ पे फ़ोन जो है फिर से वो रिस्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना, आपको इंस्टॉल लगा के यहाँ पे छोड़ देना है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ जाएगा, जिसके कारण से आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे सिंपल सा फ़ोन जो है वो 2 बार रिस्टार्ट होगी, एक बार जब आप इंस्टॉल नाउ पे आप टैप करोगे तभी आपके फ़ोन जो स्टार्ट होगी, उसके बाद जब जो फ़ोन इंस्टॉल होने के बाद सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने के बाद आपके फ़ोन जो ऑटोमेटिक आपके जो है रिस्टार्ट होगी। तो आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है।
तो यहाँ पे फ़ोन जो है वो अब जो है वो यहाँ पे रिस्टार्ट हो रही है। तो मतलब फ़ोन में यहाँ पे दो तीन स्टेप होते हैं, तो उसको यहाँ पे आपको फॉलो करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। तो यहाँ से मेरे हिसाब से आप जो फ़ोन को रात में ही आप डाउनलोड लगाया करो। वहाँ पर आपने देखा तो वहाँ पर शेड्यूल ऑप्शन भी आया था। शेड्यूल के टाइम पर क्या होता है कि आप वहाँ पर अपने टाइमिंग भी वहाँ पर सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप टाइमिंग सेट करोगे तो रात में आपको फ़ोन जो है, जब आप फ़ोन को यूज़ नहीं कर रहे हो तो उस टाइम पर भी आप डाउनलोड लगा सकते हो। तो यहाँ पे फ़ोन इज़ अपडेटिंग, तो यहाँ पे जिसमें भी ऐप्स हैं तो वो सारे ऐप्स जो है वो यहाँ पे अपडेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको जूम करके मैं दिखा देता हूँ, तो जितने भी यहाँ पे ऐप्स हैं वो सारे ऐप्स यहाँ पे अपडेट हो रहे हैं अभी। तो यहाँ पे ऐप्स आप देख पा रहे, इतने सारे ऐप्स हैं, जिससे मेरे फ़ोन में 412 ऐप्स हैं, तो वो सारे ऐप जो है वो अभी अपडेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये ऐप्स भी यहाँ पे अपडेट होते हैं इसके साथ साथ। तो यहाँ पे आपको कोई भी डरने वाली बात नहीं है, यहाँ पे आपको सिंपल सा आपको अपडेट कर लेना है, उसके बाद ये फ़ोन जो है वो ऑटोमेटिकली अपना काम जो है ही बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे करती है। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा कोई भी डरने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्टिमाइजिंग ऐप्स यहाँ पे जब देख पा रहे हैं, नीचे नंबरिंग जो है चल रहा है, तो वो कुछ इस टाइप से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी ऐप्स थे वो सारे जो है वो ऑप्टिमाइजिंग हो गए हैं। अब जो फ़ोन जो है मेरी पूरी तरह से जो है रिस्टार्ट होगी, मतलब पूरी तरह से स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पे ऑप्टिमाइजिंग जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद फ़ोन जो है वो स्टार्ट होने वाला है। आपको कोई भी डरने वाली बात नहीं है कि आपके फ़ोन के डाटा जो लॉस हो रही, जो भी ऑप्टिमाइजिंग, बहुत सारे भाई लोग डर जाते हैं कि मेरे जितने सारे ऐप्स हैं उसको ये क्यों अपडेट कर रहा है, उसको अपडेट नहीं करना चाहिए था, उससे मेरी डाटा लॉस होगी। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे फ़ोन जो है वो कोई भी आपका डाटा को लॉस नहीं करता। जो भी सिक्योरिटी यहाँ पे अपडेट आती है, जो भी एंड्रॉयड वर्जन अपडेट होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो फ़ोन जो है पूरी तरह से अपडेट हो गया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे सिंपल से आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप सिंपल से अपने फ़ोन में फिंगरप्रिंट वगैरह जो भी आप लगाओगे तो यहाँ पे आपको डरने की बात नहीं है। तो यहाँ पे फ़ोन को सिंपल से ऑन करना, तो यहाँ पे फ़ोन जो है वो नॉर्मल से ऑन होगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा, यहाँ पे फिंगरप्रिंट काम नहीं करने वाला। जो भी आपने पासवर्ड लगाया था वो पासवर्ड यहाँ पे आप डाल के जो है यहाँ पे आप इंटर कर लेना। तो इंटर जैसे कर लोगे तो फ़ोन जो है वो पूरी तरह से अपडेट हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको मैं बताने वाला आपको नोटिफिकेशन पैनल में आपको कोई यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल रही है या नहीं। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल में आपको कोई भी चेंजेस तो मेरे को नहीं लग रहा कि यहाँ पे कोई चेंजेस देखने को मिल रही। जितने फीचर्स थी वो फीचर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और भी मैं आपको डायल पैड मैंने आप दिखाया था, तो डायल पैड भी क्या चेंज हुआ है, तो यहाँ पे डायल पैड जो है वो भी चेंज नहीं हुआ। बेसिकली ये सिक्योरिटी पैच लेवल थी, जो भी आपके बग्स थे, जैसे कि फ़ोन आपको हीटिंग करती थी, आपको जो भी इशू आ रही थी, तो वो सारी प्रॉब्लम जो है वो अभी कम हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे स्क्रीनशॉट का भी कुछ प्रॉब्लम था, तो यहाँ पे आपको जो फेसिंग सिस्टम ऐप्स जो है वो अभी भी यहाँ पे इंस्टॉल हो रही है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो आप फेसिंग सिस्टम अपडेट, तो अभी भी अपडेट लगी हुई ही है, कुछ ना कुछ यहाँ पे अपडेट होते रहती है। तो यहाँ पर आपको डरने वाली कोई भी बात नहीं है। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर एंड्रॉयड वर्जन यहाँ पर कितना शो कर रहा है। तो यहाँ पर सिंपल था, आपको फ़ोन के सेटिंग में चले जाना। फ़ोन के सेटिंग में जाने के बाद आपको ऊपर जाना है। बेसिकली मैंने यहाँ पे डार्क थीम कर रखा है, आप इसके वाइट थीम में भी आप चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि फ़ोन आपका डार्क हो गया। तो यहाँ पर सिंपल से अबाउट फ़ोन हम जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। और सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो इसमें जो है एंड्रॉयड 10 जो है वो रन कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो एंड्रॉयड 10 जो है वो रन कर रहा है। तो यहाँ पर कोई भी आपको डरने वाली बात नहीं है। यहाँ पर ये जो अपडेट आपको जो सिक्योरिटी पैच लेवल अपडेट है, तो आई होप यहाँ पे जो सारी आपको प्रॉब्लम जो भी बग्स थे वो यहाँ पे आपको जल्द ही जो ख़त्म होने वाली है। तो यहाँ पे मैंने अभी जो डार्क थीम मैंने अनेबल कर रखा है, तो यहाँ पर डार्क मोड को भी आप डिसेबल कर सकते हो। और उसके बाद वो लुक्स जो है वो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल रही है। तो आई होप अगर आप लोगों को मेरे वीडियो से थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिली, आपको पता नहीं था कि आपको अपडेट कैसे करनी है, तो आई होप आपको सारा भी इन्फॉर्मेशन मिल चुका है कि यहाँ पे आपको सैमसंग गैलेक्सी M31 को आपको कैसे अपडेट करनी है। तो आई होप अगर आप लोगों को मेरे वीडियो से थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि मैं हमेशा अपने चैनल पर टेक्निकल से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स एंड अनबॉक्सिंग के वीडियो में चैनल पर लाता रहता हूँ। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप सबको यहाँ पर डिस्प्ले जो है ब्लिंक करता नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मैं आप सबको क्लियर कर दूँ कि जो भी सुपर एमोलेड डिस्प्ले होते हैं ना, वो यहाँ पर कैमरे में जो है उसकी लाइट जो ज़्यादा होती है, जो कि इस टाइप से ब्लिंक करती है। आप नॉर्मल फ़ोन को देखोगे तो यहाँ पर लाइट जो है ब्लिंक नहीं करने वाली है। तो जल्दी मिलते हैं कुछ नए फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।